Hi everyone. Welcome back to your own YouTube channel. Hope you people are doing well. As you can see on the screen, today our topic is Chapter 16 Fire. This chapter is the extract from Charlotte Bronte novel Jane Eyre. So Charlotte Bronte was who was Charlotte Bronte? charlie Bronte was British novelist who wrote under the pen name of Currer Bell. She was born in 1816. And died 1855. Charlotte Bronte together with her sisters Emily and Annie lived most of her life in Yorkshire. Charlotte was the only one of the three sisters became successful novelist in her own lifetime. Means उसकी जो बहनें थीं उनकी बहनों के बीच में सिर्फ Charlotte Bronte ही थी जो बहुत successful novelist बनी और उन्होंने अपना जो नाम है वो शार्ले ब्रॉन्टी उन्होंने अपनी नावल्स में ये यूज़ नहीं किया उन्होंने करल करर बेल यूज़ किया अंडर द पेन नेम का मतलब यही होता है हम जितनी भी अपनी बुक्स को पब्लिश करेंगे उसमें हमारा नाम करर बेल होगा शायद आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस टाइम पे एटी एटीन सेंचुरी की ये बात है उस टाइम पे विमेंस को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी इसीलिए उन्होंने अपना नाम यहाँ पे करर बेल किया आई एम नॉट श्योर लेकिन रीज़न यही हो सकता है ओके okay? So let's read the chapter. Our main focus chapter is this extract is Charlie Bronte novel Jane Eyre, the story of a girl Jane Eyre, orphaned and an early age and treated badly her aunt and cousins. She trains to be teacher and takes up a job at her Thornfield Hall, working for Mister Rochester's as governess of a young girl, Emily. The atmosphere of the house and demonic laughter that she overhears. convince Jane that there is something mysterious in the house. The other character in this extract are Mrs. Fairfax, the housekeeper, Pilot, the dog, Gracepool, the women woman who does swing in the house. Means जो Jane आयी थी बहुत जल्दी अनाथ हो गई थी छोटी आगे में और उसकी आंटी और cousins के through से बहुत ज्यादा बुरी तरह से treat किया जाता था। लेकिन बहुत जल्दी उसने खुद को train कर लिया था as a teacher और उसे एक job मिल गई थी Thornfield में कहाँ पर मिस्टर रोचेस्टर के यहाँ एज अ गवर्नेंस गवर्नेंस कौन होता है गवर्नेंस होता है कि टीचर टीचिंग का तो उनका काम होता ही होता है लेकिन घर के छोटे मोटे और भी काम वो करती हैं तो लिटिल गर्ल एडली जो थी उसको पढ़ाने का काम मिला और घर के छोटे मोटे काम करने का मौका उसे मिला वहाँ पे जॉब मिल गई ना मौका तो नहीं और वहाँ पे उस घर से उसे बहुत ही डेमोनिक मीन्स भूतों की अजीब सी आवाज़ वहाँ पर आती थी, थी। अजीब आवाज़ें उसे वहाँ पर वहाँ पर आती थी तो जेन कहती है जेन दैट देयर इज अ समथिंग मिस्टीरियस इन द हाउस उसने अपने आप को कन्विंस कर लिया था इन सारी आवाज़ों को सुन के कि पक्का इस घर में कुछ गड़बड़ है और बाकी जो करेक्टर है मिसेस फेयरफेक्स हैं हाउस कीपर पायलट डॉग है और ग्रेस पुल वुमेन है जो कि वहाँ पे सिलाई बुनाई का काम करती हैं सो लेट्स रीड द चैप्टर दो आई हैड नाउ एक्सटिंगविश माय कैंडल एंड वॉज लेड डाउन इन द बेड दैट मीन्स ये सीन है जब वो सोने जा चुकी है और कहती है कि मैंने कैंडल को बुझा दिया और मैं क्या हो गई मैं लेट गई आई कुड नॉट स्लीप मैं सो नहीं पा रही थी थिंकिंग ऑफ हिज लुक मैं उसके लुक के बारे में सोच रही थी वेन ही हैड पॉज्ड इन द अवेनव्यू एंड टोल्ड हाउ हिज डेस्टिनी हैड राइजन अप बिफोर हिम एंड डेअर हिम टू बी हैप्पी एट थॉर्नफील्ड हिज लुक हिज यहाँ पर किसकी बात हो रही है मिस्टर रोचेस्टर की बात हो रही है वो मिस्टर रोचेस्टर के बारे में सोच रही है एवेन्व्यू मीन्स होता है चौड़ी सड़क चौड़ा रोड वो उस पल के बारे में सोच रही है जब मिस्टर रोचेस्टर वहाँ पर उसे बता रहे थे कि किस तरह उन्होंने अपनी डेस्टिनी मीन्स अपनी किस्मत से राइजन अप बिफोर हिम अपनी किस्मत से लड़कर या उससे ऊपर उठकर उन्होंने हिम्मत की है डेयर किया है थॉर्न फील्ड में खुश रहने के लिए अब हमारी जो जेन आयरनी जैन आयनी है उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसी बात क्यों कह रहे हैं मीन्स ये यहाँ पे खुश क्यों नहीं रह सकते ऐसा क्या है यहाँ पर अब मिस्टर रॉचेस्टर ने तो कह दिया कि मैंने अपनी किस्मत से लड़कर अपनी किस्मत से ऊपर उठकर यहाँ पर खुश रहने की हिम्मत की है तो अब जेन आने के मन में क्वेश्चन आ गया व्हाई नॉट आई आस्क माई सेल्फ मैंने खुद से पूछा वट अलाइनेट्स हिम फ्राम द हाउस इस घर में ऐसा क्या है जो ये खुश नहीं रह सकते विल ही लीव इट अगेन सुन क्या दोबारा जल्दी चले जाएँगे मिसिज फेयरफिक्स सेट ही सेल्डम स्टेड हेयर लॉन्गर देन फोर्थ नाइट एट द टाइम एंड ही इज ही हैज़ नाउ बीन रेजिडेंस फॉर एट वीक्स अब जो फेयरफिक्स होती हैं जो हाउस कीपर होती हैं वो उसे कहती हैं बताती हैं कि मिस्टर रोचेस्टर यहाँ कभी पंद्रह दिन से फोर्थ नाइट मीन्स फिफ्टीन डेज पंद्रह दिन से ज़्यादा यहाँ पर कभी रहे नहीं है लेकिन इस बार ये इनको यहाँ पे रहते हुए आठ वीक हो गए हैं इफ़ ही डज गो द चेंज वुड बी डॉल्फुल सपोज ही शुड बी एबसेंट स्प्रिंग समर एंड ऑटम हाउ जॉयलेस सनशाइन एंड फाइन डेज विल सीम मीन्स अब जब उसको ये पता चलता है कि जो मिस्टर रोचेस्टर हैं वो यहाँ पे पंद्रह दिन से ज़्यादा नहीं रुकते लेकिन अभी उन्हें एट वीक हो चुके हैं यहाँ तक यहाँ पर रहते हुए तो वो ये सोचती कि अगर वो दोबारा से चले गए कौन जेन सोच रही है जेन आये सोच रही है अगर वो यहाँ पर यहाँ से दोबारा चले गए तो जो मेरा स्प्रिंग है समर है ऑटम है वो जॉयलेस हो जाएगा मीन्स मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा मुझे वो खुशी नहीं मिलेगी यहाँ रहने में वो ऐसा क्यों कह रही है एक्चुअली वो अपनी फीलिंग्स को कंपेयर कर रही है समर ऑटम स्प्रिंग और इन सब वेदर से क्यों क्योंकि वो अब मिस्टर रोचेस्टर को पसंद करने लगी है वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रही है उन उसका जो साथ है मिस्टर रोचेस्टर का रहना उसको वहाँ पर अच्छा लगता है उसको खुशी मिलती है तो इसीलिए कह रही है कि अगर वो यहाँ से चले गए तो सब कुछ जॉयलेस हो जाएगा आई हार्डली नो वेदर आई हैड स्लेप्ट और नॉट आफ्टर दिस म्यूजिंग एट एनी रेट वो कहती है कि अब मुझे लगी रहा अब मुझे मतलब बहुत मुश्किल था मेरे लिए सोना म्यूज़िंग मीन्स क्या होता है पीरियड ऑफ थिंकिंग केयरफुली मीन्स ये सब सोचने के बाद बहुत मुश्किल था मेरे लिए सो पाना आई स्टेट वाइड अवेक ऑन हियरिंग वेज मर्मर पिक्युलर एंड लिगबरियस विच साउंडेड आई थाट जस्ट अब मी मीन्स अब वो कहती है कि अभी तो वो सो ही नहीं पाई थी जगी रही थी ऑलमोस्ट तो उसको क्या सुनाई देता है उसको बहुत अजीब वॉइज क्या होती है वेज मीन्स क्लियर आवाज़ नहीं थी किसी की बुदबुदाने की मरमर किसी की अजीब सी उसको आवाज़ सुनाई दे रही थी उसको लगा आई थाट कि ये जस्ट अबाव वन मी कि शायद मेरे ऊपर से आ रही है आई विश आई हैड कैप्ट माई कैंडल बर्निंग द नाइट वॉज डियरली डार्क अब वो सोचती कि आई विश कास्ट मैंने अपनी मोमबत्ती को बुझाया ना होता उसको जलने दिया होता क्यों क्योंकि रात जो थी बहुत ही ज़्यादा घनी लग रही थी माई स्प्रिट वॉज डिप्रेस्ड आई रोज एंड सेट अप इन अ बैड लिसनिंग अब जो उसकी स्प्रि थी स्प्रिट किसको को है यहाँ पे आत्मा को कहा है मीन्स अंदर के मन को कहा है उसकी स्प्रिट थी इस टाइम पे यहाँ पे डिप्रेस्ड हो रही थी मीन्स डर रही थी तो वो अब रोज मीन्स उठती है और बैठ जाती है अपने बैट पर और सुनने की कोशिश करती है लिसनिंग द साउंड वॉज हुजड अब जैसी वो उठकर बैठती है तो जो साउंड था हुज हो जाता है हुज मीन्स क्या होता है बहुत ही ज़्यादा मंदा पड़ जाना ख़त्म तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ही ज़्यादा मंदा पड़ जाना कि समझ में ही ना आए कि है भी आवाज़ या नहीं तो उस वो कोशिश करती है सुनने की बट जो साउंड था वो ज हो गया था आई ट्राई टू स्लीप अगेन अब उसने अपना वहम वूहम समझ के दोबारा से वो सोने की कोशिश करती है बट माई हार्ट बीट इंशियसली माई इन वॉट ट्रेंक्वैलिटी वॉज ब्रोकन ट्रेंक्वैलिटी मीन्स पीस ऑफ काम द क्लॉक फार डाउन इन हॉल स्टक टू जस्ट देन it seemed माई चैम्बर डो पहले यहां तक समझते हैं मीन्स अब वो सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन जो उसका दिल था वो बहुत ही तेजी से धड़क रहा था माई इनवर्ट ट्रंक्वालिटी ट्रैंक्वेलिटी क्या होता है पीस काम अब खुद सोचो अगर रात में आपको कोई आवाज आए तो क्या नींद आएगी हम डिस्टर्ब हो जाएंगे और हमें लगे आजकल तो रात में ना ऐसा लगता होता ना स्पेशली मुझे आपका तो पता नहीं जरा सा भी साउंड होता है तो मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आती ऐसा लगता है ये भगवान पता नहीं कौन आ गया कैसे आ गया तो ये वहम होता है किसी किसी को मुझे तो बहुत डर लगता है भाई रात में तो इसी तरह से इसका जो पीस था वो डिस्टर्ब हो गया अब जो हॉल में कितने बज रहे थे स्टक टू दो बज रहे थे अब उसको क्या सुनाई देता है जस्ट देन इट सीम माई चैम्बर डोर वॉज टच अब उसको लगा कि मेरा जो चैंबर का डोर है उसे टच किया गया है बाहर जाने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है अब उसको ये इस से महसूस हुआ चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है बट कोई इशू नहीं समझना भी तो जरूरी है आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो वैसे <laughs> आई सेट हुयर मुझे मैंने कहा कौन है वहाँ नो वन आंसर कोई बोला नहीं आई वॉज चिल्ड विद फियर अब मैं डर के मारे बिल्कुल चिल्ड हो गई थी ऑल एट वंस आई रिमेंबर दैट इट माइट बी आ पायलट हु वन द किचन डोर चे चांस टू बी लेफ्ट ओपन नॉट अन फ्रिक्वेंटली फाउंड हिज वे अप टू बी टू द थ्रेड शोल्डर ऑफ मिस्टर रोचेस्टर्स चैम्बर अब उसको लगा कि शायद ये ना पायलट हो सकता है जो किचन का डोर है ना वो खुला रह गया है तो शायद ये ऐसा होता है कभी कभी कि मिस्टर रोचेस्टर के रूम में उन उसने पायलट को जब वो सुबह को जाती है तो उसने उन पायलट को वहाँ पर देखा है तो अब उसने अपने आप से सोचा कि शायद ये पायलट हो सकता है आई हैड सीन हिम लेइंग देयर आर माई सेल्फ इन द मॉर्निंग जब वो सुबह को जाती है तो उसने कई बार देखा है कि वो मिस्टर रोचेस्टर के रूम में होता है द आइडिया काम मी सम हाउ अब पायलट की पायलट के बारे में सोचकर उसको थोड़ा सा तो रिलैक्स फील हुआ उसको अब थोड़ा सा डर उसका ख़त्म हुआ आई ले डाउन अब वो लेट गई साइलेंस कम्पासिस द नर्वस एंड एज एन अनब्रोकन हुश नाउ रेंग अगेन थ्रू द होल हाउस आई बिगेन टू फील द रिटर्न ऑफ स्लम्बर अब क्या हुआ उसने बिल्कुल उसको लगा कि शायद पायलट होगा तो अब एक साइलेंस कम्पासिस द नर्वस मीन्स क्या होता है कि चारों तरफ एक बहुत अजीब सा क्या छा गया सन्नाटा छा गया रात में देखिए रात कैसी है? होती है बिल्कुल शांत होती है आई बिगिन टू फील रिटर्न ऑफ स्लम्बर अब उसने फिर से खुद को क्या करने की कोशिश करी खुद को दोबारा से उसकी स्लम्बर होता है नींद की झपकी लगना दोबारा से नींद की झपकी की कोशिश करी बट इट वॉज नॉट फेटेड दैट आई शुड स्लीप दैट नाइट वो कहती है कि शायद फेट मीन्स भाग्य होता है मेरे भाग्य में नहीं था उस दिन सोना आई ड्रीम हैड स्कास्ली अप्रोच माई ईयर वेन इट फ्लेट फ्राइटेड अफ्राइटेड, केयर्ड बाय मैरो फ्रीजिंग इंसिडेंट मीन्स जब कोई सुनने जब कोई सोने की कोशिश करता है तो वो यहाँ पे कहती है कि सपना बस मेरे मुझे अप्रोच ही करने वाला था मीन्स मैं गहरी नींद में जाने ही वाली थी एकदम से क्या होता है वेनिज एज इफ टेरिफाइड मैरो मीन्स हॉरीफाई इवेंट ओहो उसको एक बहुत अजीब सा हॉरीफाइड उसके साथ एक इंसिडेंट होता है एक डर वाला इंसिडेंट होता है क्या होता है दिस वॉज अ डेमोनिक लाफ उसे एक बहुत ही राक्षसी क्या सुनाई देती है हंसी हाँ, सुनाई देती है लो सुप्रेस्ड एंड डीप अटर्ड एज इट सीम्ड एट द वेरी की होल ऑफ माई चैम्बर डोर द हेड ऑफ़ माई बेड वॉज नियर द डोर एंड आई थॉट एट फर्स्ट द गोबलिंग लाफ्टर स्टूड एट माई बेड साइड और वेदर क्राउज बाय my पिल्लो अब क्या होता है अब वो जब वो सोने की कोशिश कर रही होती है उसको जो ये राक्षसी सी हंसी सुनाई दी है अब उसको लगा है कि जो बहुत लो suppressed एंड डीप अटर्ट जो है डीप अटर्ट मीन्स होता है गहरी हंसी ये कहाँ से आ रही है द की होल ऑफ़ माई चैम्बर डोर जो उसका दरवाज़ा होता है उसको लगता है उसके अंदर जो की होल है वहाँ से ये सुनाई दे रही है और जो उसका हेड होता है माई बेड नियर द डोर जैसे ये इसमें पिक्चर में देखो आप पिक्चर में जैसे लेटी हुई है ना इसका सर बिल्कुल दरवाजे के पास था तो इसको लगता है कि जो ये हंसी है ये बिल्कुल मेरे दरवाजे के इसकी होल के बाहर से आ रही है एंड और फिर कभी दोबारा वो क्या सोचती है दोबारा सोचती है क्राउज बाय माय पिलो कि मेरे पिलो के नीचे से आ रही है बट आई रोज लेकिन मैं उठी लुक अराउंड मैंने चारों तरफ देखा एंड कुड सी नथिंग मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया वाइल एज आई स्टिल गेज्ड द अननेचुरल साउंड वाज Retreated. I knew it came from behind the panel. My first impulse was to rise and fasten the bolt. My next, again, to cry out, who is there? अब वो कहती है कि ये आवाज़ मुझे पता चल गई थी जो unnatural sound है ना पक्का जो बार बार आ रहा है ना ये कहाँ से आ रहा है बिहाइंड द पैनल मतलब जो उसका गेट है उसका जो जिस रूम में वो सोई है उसके कहीं बाहर से आ रहा है तो उसने सोचा कि पहले खुद उसने वो उठी और उसने कोशिश करी कोशिश नहीं करी उसने सोचा कि मैं पहले जो गेट है ना गेट की कुंडी को बोल्ट मीन्स क्या होता है गेट की कुंडी इसको बंद कर देती हूँ और फिर मैं चिल्लाऊंगी कि कौन है यहाँ पर क्यों क्योंकि अब वो यहाँ पर हिम्मत करने की कोशिश कर रही है तो समथिंग गर्गर्ड एंड मोन्ड एयर लॉन्ग स्टेप्स रिट्रीड अप द गैलरी टूवर्ड्स द थर्ड स्टोरेज स्टेयर केस थर्ड स्टोरेज स्टेयर केस क्या होता है जो जीना था एरी लॉन्ग मीन्स क्या होता है यहाँ पे बिफोर लॉन्ग मीन्स गड़गड़ाहट की और कर्राहट की आवाज़ आ रही होती है कहाँ से आ रही होती है जो थर्ड स्टोरे का जो माले जैसे थर्ड फ्लोर होते हैं ना उसकी जो स्टेयर्स होती हैं वहाँ से अ डोर हैड लेटली बी सील्ड एंड शट इन दैट स्टेयर केस वो कहती है कि ये वो जो ऊपर जो थर्ड फ्लोर का जो डोर है वो तो बहुत सील कर दिया गया था वहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं सकता उसको तो बिल्कुल सील ही कर दिया गया था बंद ही कर दिया गया था आई हर्ड इट ओपन एंड क्लोज लेकिन ये ये इस जो सील दरवाजा था उसके खुलने की और बंद होने की आवाज उसको आ रही थी एंड ऑल वॉज स्टिल वॉज दैट ग्रेस पुल अब वो सोचते क्या ये ग्रेस पुल है एंड शी पोजेस विद द डेविल डेविल मीन भूत आई थॉट इम्पॉसिबल हाउ रिमेन लॉन्गर बाय माई सेल्फ आई थॉट अब वो इतनी देर तक उसने पहले सोचा क्या ये कौन है मिसेस ग्रेस पूल है फिर उसने सोचा नहीं क्या कोई भूत वूत है क्या कोई डेविल है क्या नो आई थॉट इम्पॉसिबल हाउ रिमेन सॉरी लॉन्गर बाय माई सेल्फ मीन्स वो बहुत देर तक उसको डरने जकड़े रखा बहुत देर तक वो डरती रही आई थॉट आई मस्ट गो मिसिज फेयर फिक्स अब उसने सोचा कि मुझे फेयर फिक्स के पास चले जाना चाहिए आई हरिड ऑन माई फ्रॉक एंड शॉल फ्रॉक एंड शॉल मीन्स उसने पहना हुआ था तो उसने फ्रॉक और शॉल को फ्रॉक और शॉल में वो वहाँ से क्या करती है जाती है मीन्स यहाँ पे ना बताया गया कि वो फ्रॉक और शॉल में थी उसी ड्रेसअप में वो कहाँ जाती है मिसिज फेयरफेक्स के पास जाने के लिए सोचती है आई विड्रू द बोल्ट एंड ओपन द डोर किसी तरह उसने विद्रामिंग हैंड बहुत कांपते हुए हाथों से उसने बोल्ट को खोला और दरवाजे को खोला देयर वॉज अ कैंडल बर्निंग जस्ट आउट साइड वहां पर उसकी जैसी उसने गेट खोला वो क्या देखती है लेफ्ट ऑन द मैटिंग इन द गैलरी गैलरी के मैट पर एक जलती हुई जो कैंडल थी वो पड़ी हुई थी आई वॉज सरप्राइज एट दिसमस्टांसिस बट स्टिल मोर वॉज आई अमेज टू परसीव द एयर क्वाइट डिम वो बहुत ही ज्यादा इसे देख के सरकमस्टांस को देख के सिचुएशन को देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है बट स्टिल मोर आई अमेज और उससे भी ज्यादा अमेज हैरान क्यों हो जाती है ये देख कर कि एयर क्वाइट डिम एयर क्वाइट डिम मीन्स क्या होता है जैसे चारों तरफ धुआँ सा हो गया हो और चीजें कम दिखाई दे रही हूँ इस तरह से एज इट फिल्ड विथ स्मोक यस कि जैसे जो धुआं होता है ना चारों तरफ से भर जाता है और हमें कम दिखाई देता है ऐसा लगता है हवा में आपने फॉग देखी है सुबह के टाइम की उस तरह से समझ लो वाइल्ड लुकिंग टू द राइट एंड लेफ्ट टू फाइंड वेंस दीज अब उसको इतना सारा सब कुछ देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान सी हो गई है हो वो अपने राइट में देखती है और लेफ्ट में देखती है उसे क्या दिखता है ब्ल्यू रेड्स इशूड रेड्स मीन क्या होती हैं स्मोक होती है ना स्मोक की जो रिंग्स होती हैं वो आई बिकेम फर्दर अवेयर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ बर्निंग और उसके बाद उसे बहुत ही तेजी से जलने की स्मेल आती है समथिंग क्रीक्ड इट वॉज अ डोर अजार एंड द डोर वॉज मिस्टर रोचेस्टर्स समथिंग क्रीक्ड क्या होता है साउंड इट वॉज अ डोर अजार मीन्स वेन शी ओपन द डोर एंड द डोर वॉज मिसिज मिस्टर रोचेस्टर्स द स्मोक रश्ड इन द क्लाउड फ्रॉम द सेंस मीन्स वहाँ से जो ये जितनी भी स्मोक थी जितनी भी ये बदबू उसको आ रही थी स्मेल आ रही थी ये कहाँ से आ रही थी इट ये किसका डोर था ये तो मिसटर रोचेस्टर का चैम्बर था आई थॉट नो मोर ऑफ मिसिज फेयरफेक्स आई थाट नो मोर ऑफ ग्रेसफुल ऑफ अद लाफ इन एंड इंस्टेंट अब उस टाइम के लिए जब उसने देखा डोर किसका डोर मिस्टर रोचेस्टर के चैम्बर के डोर की तरफ से ये आग जल रही है वहाँ से ये स्मेल आ रही है तब उसे ना तो मिसेस फेयरफॉक्स के बारे में सोचा ना उसने ग्रेस पूल जो वो उसको भूतिया हंसी आ रही थी वो ग्रेस पूल समझ रही थी जिसको कि कहीं वो तो नहीं है ना उसने उसके बारे में सोचा उस टाइम सिर्फ क्या सोचा आई वॉज विद इन द चैंबर वो फटाफट से चैम्बर में पहुँच गई टोंगस ऑफ फ्लेम डाटेड राउंड द बैड द करटेन्स वर ऑन फायर इन द मिडस्ट ऑफ ब्लेस एंड वेपर मिस्टर रोचेस्टर ले स्ट्रेच मोशनलेस इन डीप स्लीप। अब जैसी वो रूम में एंट्री करती है तो वहाँ के नजारे को क्या डिस्क्राइब कर रही है कहती है टॉन्ग्स ऑफ फ्लेम डार्टेड राउंड द बेड बेड के चारों तरफ फ्लेम मीन्स आग की जो लपटे थी वो लगी हुई थी करटेंस जो थे पूरी तरह से फायर हो चुके थे आग में जल चुके थे और चारों तरफ क्या हो रहा था धुआँ और वेपर था सिर्फ और मिस्टर रोचेस्टर जैसे आग जलने के बाद वो हो जाता ना अगर कमरा बंद हो आग जल जाए तो अंदर पूरे में जीप सा धुएं से इंसान जो होता है वो उसके अंदर लंग्स में चला जाता है और वो बेहोश हो जाता है उसी तरह से मिस्टर रोचेस्टर जो थे डीप स्लीप में वहाँ पर मोशन लेस मीन्स यहाँ पे फेंट बेहोश हो गए थे वहां पर पड़े हुए थे वेक वेक आई क्राइड आई शुक हिम मैच्लाई मैंने उनको हिलाया उठो जागो जागो बट ओनली मोमर्ट सिर्फ वो बुदबुदा रहे थे एंड टर्न द स्मोक हेड स्टुपीफाइड हेम नॉट अ मूवमेंट कुड बी लॉस्ट द वेरी शीट्स वर किंडलिंग अब उसने क्या किया स्टुपीफाइड हिम मीन्स क्या है यहाँ पे मेड हिम फेंड जो ये चीज़ जो ये धुआं था इसने इसको क्या कर दिया था बेहोश कर दिया था अब वो एक भी मिनट और ख़राब किए बिना और भी कोई भी मिनट वो खराब नहीं कर सकते थे जितनी भी शीट थी वहाँ पर वो क्या आ हो गई थी किंडलिंग हो गई थी मींस आखिर लपटों में आ गई थी सारी झुलस गई थी आई रश टू हिज बेसिन एंड एवर एवर क्या है यहाँ पे अ लार्ज वाइड माउंट यहाँ पर लिखा हुआ है एविर अ लार्ज वाइड माउथेड जग फॉर होल्डिंग वाटर बड़ा सा जग होता है ना जिसके अंदर क्या होता है पानी भरा हुआ होता है वो फटाफट गई और वो लेकर आई फॉर्चुनेटली वन वॉज वाइड एंड अदर डीप एंड बोथ वर फिल्ड विद water. अनफॉर्चुनेटली मीन सौभाग्य से भगवान की दुआ से वो गहरा था और बड़ा था और पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था आई हैवेंट देम deluged द बेड एंड इट्स occupant flew बैक टू माई ओन रूम ब्रॉट माई ओन वाटर जब वो भरे हुए पानी को वो वहाँ पर क्या कर कर जाती है फेंक कर जाती है क्यों क्योंकि वो आग बुझा रही है आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पिक्ड डैम आप ओके उसको लाती है और क्या करती है ड्रेंच विद वाटर ओके पूरा जो वहाँ पर बेड में जो पूरी आग लगी हुई थी वहाँ पर क्या कर देती है उस पानी को फेंक देती है और फटाफट से अपने रूम में जाती है काउच अ फ्रेश एंड गॉड्स एड सक्सीड इन एक्सटिंग दफल अब अपने रूम में जाकर भी वो से एक और जग जो उसके रूम में रखा हुआ था उसको लाती है और बेप्टाइज मीन्स यहाँ पर है हेयर स्प्रिंग छिड़कना अब जो काउच है जहाँ पर आग लगी हुई थी वहाँ पर उसको छिड़क देती है और भगवान की दुआ से वो सक्सीड हो जाती है एक्सटिंग फ्लेम आग को बुझाने में विच वर डिवॉरिंग इट वो डिवॉरिंग मीन्स के होता है निगलना जो कि खा रही थी पूरे रूम को खत्म कर रही थी द हिस ऑफ द क्वेंच एलिमेंट हिस मीन्स जैसे आग बुझती है ना आग बहुत तेज आग लगी हुई है कहीं पर आप पानी डालो तो हिस की आवाज आती है वो क्या हो गई थी बुझ गई थी द ब्रेकेज ऑफ अ पिक्चर विच आई फ्लंग फ्रॉम माई हैंड वेन आई हैड एम्पेटाइड इट एंड अब ऑल द स्पलैश ऑफ द शावर बात आई हैड लिबरली बेस्ट आउट राउज मिस्टर रोचेस्टर एट लास्ट अब वो क्या कहती है कि जो मेरे हाथ में जो पिचर था पिचर क्या होता है जो मटका था जो पानी का वो जार को बता रही है वो मैंने फ्लंक किया फेंक दिया अपने हाथों से और वो वहाँ पर क्या हो गया वो ब्रेक भी हो गया मीन्स टूट गया वो वहाँ पे सारे में चीज़ें फैल गई लेकिन लास्ट में वो कहती है कि आई हैड लिबरली लिबरली बेस्ट आउट राउज मिस्टर रोचेस्टर एट लास्ट Though इट वॉज नाउ डार्क आई न्यू ही वॉज awake. वो काम कामयाब हो जाती है कि मिस्टर रोचेस्टर जो हैं अब बच जाएं अब ठीक रहें उस चीज़ में सक्सेसफुल हो चुकी है वो जानती है कि वो जग चुके हैं इतना सारा काम वहाँ पे हो चुका है इतनी सारी आवाज़ें हो गई हैं और वो पानी वानी भी उसने फेंक दिया तो वो समझ जाती है कि वो जग गए हैं लेकिन इतना अंधेरा था कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था बिकॉज आई हर्ड दिन फलमिनेटिंग स्ट्रेंच ओके okay. वो ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि उसको वहाँ पर क्या इसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है प्रोटेस्टिंग स्ट्रांगली एंड लाउडली ओके उसको ये पता चल जाता है कि वो जाग चुके हैं उसको ये पता क्यों चल जाता है क्योंकि उसने आवाज़ सुनी थी वो प्रोटेस्ट स्ट्रांगली एंड लाउड वो बहुत तेज चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ क्यों क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था और वो पानी और वो बुझी हुई आग

क्वींस नाउ अब मैंने इस आग को बुझा दिया और तुम सुरक्षित हो आई विल फेच यू आर कैंडल इज देयर जेन आई ही डिमांडेड वट द रूम यू हैव यू प्लॉटेड टू ड्रॉन मी अब देखो इसने इसकी जान बचाई और ये क्या कहता है वो कहती है कि तो आप उठ जाओ आग बुझ चुकी है मैं आपके लिए कैंडल लेकर आती हूँ वो कहते हैं जेन आयनी तुम हो यहाँ पे क्या किया तुमने मेरे साथ चुड़ैल सॉर्सेस चुड़ैल जादूगरनी और तुम्हारे अलावा कौन है यहाँ पे इस रूम में क्या तुमने मुझे प्लॉट किया था प्लान बनाया था क्या मुझे डुबा के डुबा दोगी पूरी तरह आई विल फेच यू अ कैंडल सर एंड इन हेविनस नेम गेडअप सम बडी हैज़ प्लॉटेड समथिंग अब वो कहती है कि मैं आपके लिए कैंडल लाती हूँ सर वो मतलब उसको उसकी बात का को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं आपके लिए कैंडल लाती हूँ हेवंस नेम मीन्स भगवान के लिए उठ जाओ खड़े हो जाओ और मैंने तो कुछ नहीं किया हाँ लेकिन किसी ने कुछ ज़रूर प्लॉट किया है यू कैन नॉट टू सून फाइंड आउट हु एंड वॉट इज इट इतनी जल्दी आपको नहीं पता चलेगा वो कौन है और आपके साथ उसने क्या करने की कोशिश की है दे आर आई एम अप नाउ बट एट योर पैरल यू फैच अ कैंडल येट वेट टू मिनट्स वो कहती है लेकिन आप बहुत बड़े खतरे में थे जिससे कि अब अभी आप निकल चुके हो चलो मैं आपके लिए कैंडल लाती हूँ दो मिनट का वेट करो बट एट योर पैरल यू फैच अ कैंडल यस आई गेट इन टू ड्राई गारमेंट्स इफ एनी ड्राई दे बी येस हेयर इज माई ड्रेसिंग गाउन नाउ रन आई डिड रन आई ब्रॉड द कैंडल विच स्टिल रिमेन इन गैलरी ही टुक इट फ्राम माई हैंड हेल्डेटअप एंड सर्वेट द बेड ऑल ब्लैक एंड एंड स्क्रॉस्ड द शीट ड्रेंच द कार्पेट राउंड एंड स्विमिंग इन ऑल वाटर अब वो क्या करती है उसको वो कहती है दो मिनट रुको मैं आपके लिए कैंडल लाती हूँ वो कहते हैं कि मेरे लिए कुछ ड्राई गार्मेंट्स भी ले आना सूखे हुए कपड़े कि इसको कहते हैं जेन आइनी को कहते हैं कि मेरा जो ड्रॉर है वो यहीं पर है और वो जाती है उनके लिए कुछ डिड रन बॉट बॉटा कैंडल लेकर आती है गैलरी से और ही टुक इट फ्रॉम माई हैंड एंड सर्वेट दस और जो सब कुछ था उस रूम में वो क्या हो रहा था एक तरह से ब्लैक एंड था चारों तरफ से चारों तरफ काला ही काला हो रहा था क्यों क्योंकि उसने आग बुझाई थी जितनी भी शीट थी वो ड्रेंज पूरी तरह से भीग चुकी थी कारपेट जो थे वो स्विमिंग पूल की तरह पानी में तैर रहे थे क्योंकि उसने पानी इतना सारा फेंक दिया था वट इज़ इट एंड हु डिड इट ही आस्क अब उसने पूछा ये क्या है और ये किसने किया आई ब्रीफली रिलेटेड टू हिम वॉट आई हैड ट्रांसपायर्ड द स्ट्रेंज लाफ आई हैड हर्ड इन द गैलरी द स्टेप असेंडिंग टू द थर्ड स्टोरे द स्मोक द स्मेल ऑफ फायर विच हैड कंडक्टेड मी टू हिज रूम इन वॉट स्टेटेड आई हैड फाउंड मैटर देयर एंड हाउ आई हैड द हिम विद ऑल द वॉटर आई कुड ले हैंड्स ऑन मीन्स अब इसने पूरा का पूरा इंसिडेंट इसको समझा दिया ओ मैंने पढ़ लिया स्क्रीन नहीं शेयर करी यहाँ पे थे आई ब्रीफली अब उसने सारा का सारा रिलेट कर दिया कि किस तरह से उसे अजीब अजीब स्ट्रेंज लाफ आ रही थी आवाज़ सुनाई दे रही थी गैलरी से किस तरह से उसने थर्ड फ्लोर थर्ड स्टोरे से उसने पैरों की आहट सुनी किस तरह से जो स्मोकी स्मेल उसके कमरे तक उसको खींच लाई और पूरा मैटर जो था किस तरह से उसने वहाँ पे पानी फेंका उसके ऊपर पानी फेंका डिलग हिम एंड आई कुड ले ऑन हैंड और सारी की सारी चीजें उसको एक्सप्लेन करी ही लिसन वेरी ग्रेवली वो बहुत गंभीरता से सुन रहा था हिस फेस आई वेंट आई एक्सप्रेस मोर कंसर्न देन एस्टोनिशमेंट मीन्स हैरानी से ज्यादा उसके चेहरे पे कंसर्न नजर आ रहा था ही डिड नॉट इमीजिएटली स्पीक वेन आई हैड कंक्लूड जैसे ही मैंने सब कुछ उसे बताया आवाजें बताई लाफ बताया स्टेप की चीजें बताई उस टाइम तो वो कुछ बोला नहीं जैसे ही मैंने स्टोरी खत्म करी वो इमीजिएटली कुछ बोल नहीं पाया उसके चेहरे पे कंसर्न साफ नजर आ रहा था ओके स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं और जो न्यू न्यू वीडियोज़ ला सकूँ वो आपके पास पहुँच जाए थैंक यू सो वेरी मच